दिन का जो है ना जो सीन हुआ था और जो चीजें हुई थी सारे लोग सब जब डेडिकेशन से काम करता है तो वो कन्विंस कर, वो एकदम बिलीव करा देता है कि बिलीव करा ये सच रियली बता रहे हैं। उस दिन जो ना सेट पे सारे लोग रो रहे थे, कैमरा मैन, मैं नेक्स्ट शॉट समझाने गया तो मालूम पड़ा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बोले क्या बोलूँ, फिर मैं निकल गया, मुझे हटाओ यार मैं आता हूँ दो मिनट में, पाँच फिर पलट के देखा तो कैमरा मैन रो रहे हैं, क्या हुआ अनिल लाडे सर, वो भी सब रोने लगे, मेरा असिस्टेंट सर मैं भी इधर जो है आज सारे लोग आंसू पोंछ रहे हैं, बोले ये क्या हो रहा है, मतलब ये दोनों की केमिस्ट्री अवधेश मिश्रा और इनके जो केमिस्ट्री थी ना बहुत कमाल की, बहुत कमाल, उनके साथ काम करके भी बहुत मजा आया, रियली वो बहुत ऐसा। और ये संजय पांडे जी इनकी पहली लगता है पहली फिल्म थी ना, वो कौन सी घर द्वार नहीं चौथी फिल्म थी, मतलब उस समय मैंने देखा हम ले यार ये कौन एक्टर है, कमाल के एक्टर, मैंने तो उसके बाद तो वैसे ही फिल्म नहीं थी लेकिन ये तो बहुत बड़े स्टार हो गए, उस समय देखा हम ले यार ये कमाल का एक्टर, मतलब उस समय बोल फिलहाल मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगी, ये जो प्रोडक्शन हाउस है मैं अपने जो पिक्चरें लेकर के आ रही हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि वुमेन ओरिएंटेड पिक्चरें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, एक्चुअली हमारी फिल्मों का जो हीरो है वो हमारी फिल्मों का सिर्फ स्क्रिप्ट है, स्टोरी है, और हम लोग चाहते हैं कि अच्छे अच्छे एक्टर लोग मिल के अब कुछ परफॉर्मेंस वाइज करते हैं, ना कि हम सिर्फ स्टार में जाते हैं कि ये है तो पिक्चर चलेगी, हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि सब अपना 100% दे और चीज़ें आगे बढ़े, नए लोग हों सीनियर लोग हों के साथ जो बेटर परफॉर्मर होगा हम उनको लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्या बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी सोच है सर। इस पे प्रोफेसर साहब आप क्या कहना चाहेंगे, तो आपका बोलना जरूरी है प्रोफेसर साहब को जो सबसे पहले आइए एक्चुअली जब पहली स्टोरी मैं बॉबी जी के साथ डिस्कस कर रहा था तो उस टाइम अलग अलग बहुत सारे कॉन्सेप्ट सुने थे मैंने, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो जो भेड़ चाल चलती आ रही थी भोजपुरी में वही स्टोरी सुनने को मिलती थी और मैं कुछ अलग करना चाहता था। पहले मैं ये बता दूं मैं फिल्मी बैकग्राउंड से बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, बट चूंकि अब हो गया ऐसी टीम मुझे भी एक हौसला मिला कि कुछ अलग करते हैं, तो मैंने बॉबी जी से और राकेश जी से डिस्कस किया कि फिल्में करें लेकिन कुछ ऐसी फिल्में करें जो ऑडियंस हमारी थिएटर से जा चुकी है उसको वापस लाने का काम अगर कर पाए तो करें, तो ऐसी ऐसी स्टोरी बॉबी जी ने दी, मेरे पापा, मंगलसूत्र, राकेश जी ने दी दबंग बहुरिया, अम्बा, और भी फिल्में हैं जो हमारी लाइनअप है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आगे जो भी फिल्म करें साफ सुथरी हो, घरेलू पारिवारिक फिल्म हो जिसको हम अपनी बहन बीवी बेटी माँ के साथ बैठ के देख सकें, तो यही कोशिश के साथ एक अच्छी टीम के साथ आगे बढ़े, देखते हैं कहाँ तक सक्सेसफुल होते हैं, उनके लिए तो आप सबकी विशेष चाहिए ढेर सारी। तो सर बात करें दबंग बहुरिया का, आपको कॉन्सेप्ट कहाँ से आइडिया कहाँ से आया, जैसा पर्सनल लेवल पे मैं पर्सनली कुछ बोलना चाहूँगा, जैसा राकेश जी ने भी बोला, बॉबी जी ने भी बोला कि शायद इनको घर पे दबंग बहू आ गई, दबंग घर जो कि दबंग बहुरिया बन के आई हुई है हमारे घर में, तो कुछ चीजें थी जो देखा हमने इनकी जो एक दबंग गर्ल की खूबी होती है, ये घर में भी बहू के तौर पे नहीं है, एक वही बेटी दबंग जैसे बेटी एक अपने माँ बाप से हक से कोई चीज़ बोलती है और करवाती है, दबंग ही दिखाती है, वो ये अपने सास ससुर के साथ भी कंटिन्यू रखती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से ये मेरे दिमाग में आया कि कुछ ऐसा कैरेक्टर का कुछ किया जाए, तो मैंने डिस्कस किया राकेश जी से और मैंने जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा अच्छा स्टोरी इन्होंने मुझे सुनाया उस वन लाइन पर, मैं डिसाइड कर दिया कि इस पे तो चाहे हाथ पर जोड़ के ही बनाना पड़े लेकिन करवाऊंगा ही नहीं से। कुछ मैसेज भी जाने वाला ऑडियंस के आपको एंटरटेनिंग फिल्म कैसा 100% आप इस फिल्म को देखिए, हम तो ये नहीं कहेंगे, हर मेकर कहता है कि भाई हम बड़ा लीक से अलग हट के फिल्म बना रहे, हम लीक से अलग हट के नहीं बना रहे, हम लीक पे ही फिल्म बनाए, बस एक बार थिएटर में जाके देखिए कि फुल एंटरटेनमेंट, फुल इमोशन, सोशल मैसेज, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ 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 ऐसी फिल्मों को अपना ढेर सारा प्यार दर्शकों के तरफ से मिले, जनता के तरफ से मिले, आप मीडिया बंधु के तरफ से मिले, ताकि ऐसी फिल्मों और भी बने, लोग और भी प्रयास करें, फिर कंटेंट बेस्ड फिल्मों का एक सिलसिला एक दौर शुरू हो जाए।